हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर सॉइल साइंस स्टडीज। सो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल कलर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉइल कलर। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो के लास्ट में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और आगे हम कैसे अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं उस बारे में भी अगर आप कुछ पॉइंट्स बताना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा। लेट्स स्टार्ट। First, the definition of soil color. It is one property that can be used to describe horizontation and soil morphology. The change in soil color with depth is directly related to the variety of processes that occurring in the soil. जो भी processes हमारे soil में हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, soil color change होता है, वो directly related होता है उन processes के साथ. In the next point, soil color does not affect the behavior of the soil, but provides insight into environmental conditions, formation processes and other influences on the soil, and it is used in classifying the soil. Now, from where it is developed? So friends, color of soil is probably the first soil property for the human perception. Even today, soil is described by its color, such as black, red and yellow. So in this सॉइल कलर हम दो टर्म्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज लिथोक्रोमिक कलर। नाउ व्हाट इज लिथोक्रोमिक कलर? लिथोक्रोमिक कलर डेवलप्ड फ्रॉम पेरेंट मटेरियल। ये वो कलर्स होते हैं जो पेरेंट मटेरियल से डेवलप्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड सॉइल्स डेवलप्ड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन। एंड द सेकेंड वन इज पीडोक्रोमिक कलर्स। एंड द पीडोक्रोमिक कलर्स दे आर डेवलप्ड फ्रॉम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। जो हमारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, उनसे जो कलर डेवलप्ड होता है दैट इज कॉल्ड पीडोक्रोमिक कलर। और इनको हम एक्वायर्ड और जेनेटिक भी कहते हैं। लाइक लिथोक्रोमिक को हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल से जो डेवलप्ड होता है, और पीडोक्रोमिक कलर्स वो होते हैं जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस से बनते हैं, और इन्हें हम एक्वायर्ड और जेनेटिक भी कहते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, रेड सॉइल फ्रॉम ग्रेनाइट एंड सिस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल कलर। हम अब सॉइल कलर को डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये हम कैसे देखेंगे कि हमारे सॉइल का कलर कौन सा है? कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उसको मैच करेंगे, उसको कंपेयर कर देखेंगे कि कौन सा कलर हमारा सॉइल का है। सो उसके लिए हमारे पास है मुंसल कलर चार्ट। मुंसल कलर चार्ट जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल पीस ऑफ सॉइल हम लेते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं कुछ स्टैंडर्ड चिप्स के साथ। ये एक तरह की एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसमें 199 डिफरेंट कलर की चिप्स होती हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, अपना सॉइल सैंपल लेते हैं और उस चिप्स के साथ हम कंपेयर करते हैं जो उस बुक में होंगी। अब मुंसल कलर चार्ट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ह्यू, दैट इज डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इज वैल्यू, रिलेटिव लाइटनेस, ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर क्या है हमारी सॉइल की वो बताता है। एंड थर्ड वन इज द प्योरिटी, एंड थर्ड वन इज द प्योरिटी ऑफ द कलर। एंड दीज थ्री वेरिएबल्स दैट कम्बाइन टू गिव द कलर्स। ये तीनों वेरिएबल्स कम्बाइन होके हमारा सॉइल कलर बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रीफ डिस्कशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स ऑफ मुंसल कलर चार्ट। फर्स्ट वन, जैसे कि हमने कहा ह्यू, ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर है, दैट इज ये हमें बताता है रेडनेस और येलोनेस। कुछ बुक्स में रेड येलो येलो रेड इस तरह से बताया होता है। एंड इट इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सेकेंड वन इज वैल्यू, इट रेफर्स टू द रिलेटिव लाइटनेस ऑफ कलर एंड इट्स द फंक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। थर्ड वन इज द क्रोमा, हमने पहले भी कहा इट रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है हमारा मुंसल कलर चार्ट, ये सारा दिस वन। एंड द मुंसल कलर बुक इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट कलर इन अ स्टैंडर्ड नोटेशन। नोटेशंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा ह्यू डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, वैल्यू इट इज़ द डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर इन रिलेशन टू न्यूट्रल ग्रे स्केल, एंड क्रोमा इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कलर। इन मुंसल कलर चार्ट सम बेसिक नोटेशंस, या हम कहें कुछ वैल्यूज हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज ह्यू, एंड द नोटेशन वैल्यू दैट फॉर ह्यू इज 0 to 10। इट मीन्स द इंक्रीज इन नंबर इंडिकेट्स दैट ह्यू बिकम्स मोर येलो
एंड लेस रेड। जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज होगा 0 से 10 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमारा जो कलर है वो 0 रिप्रेजेंट करता है रेड, तो जैसे हमारा वैल्यूज इंक्रीज होगी तो वो येलो की तरफ मूव करेगा कि हमारा सैंपल और ज़्यादा किस रेंज में आ रहा है, कि वो हमें कलर बताएगा 0 to 10। सेकेंड वन इज द वैल्यू, द नोटेशन नंबर फॉर वैल्यू 0 इज एब्सोल्यूट ब्लैक एंड फॉर 10 इट इज एब्सोल्यूट वाइट। फॉर क्रोमा, द नोटेशन फॉर क्रोमा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स बिगनिंग एट 0 फॉर न्यूट्रल ग्रे, इंक्रीजिंग एट इक्वल इंटरवल्स टू 8। इसका 0 to 8 तक होता है क्रोमा में। नाउ फ्रेंड्स, ये है हमारा मंसल कलर चार्ट, आप सबने देखा होगा। ये जो अपर पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स ह्यू, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो वैल्यूज हैं जारी वैल्यूज हैं लाइक 2, 4, 5 up to 8 दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू, और ये लेफ्ट टू राइट जो जा रही हैं दैट रिप्रेजेंट्स क्रोमा। ये है मंसल कलर चार्ट बुक, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा राइट साइड पे ये हमारे सॉइल कलर हम इस पे मैच करते हैं, और लेफ्ट पोर्शन पे हम अपने क्या वैल्यू आ रही है हमारी वो हम यहाँ से चेक करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस टेबल में हम ये देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है या कौन सा मिनरल है उसकी वजह से हमारे सॉइल में क्या कलर डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज, इससे कलर जो डेवलप हो रहा है दैट इज पर्पलिश ब्लैक। हेमेटाइट से रेड कलर, जियोथाइट इट गिव्स येलो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इट गिव्स रेड ब्राउन, कैल्साइट इट गिव्स वाइटिश कलर, एंड ग्लूकोनाइट इट गिव्स ग्रीनिश कलर। नाउ द वेवलेंथ एंड क्रॉसपॉन्डिंग कलर्स, इन कलर्स की क्या वेवलेंथ है, एंड दिस वेवलेंथ आर इन माइक्रोन्स। पर्पल कलर द वेवलेंथ इज 0.38 to 0.45, ब्लू कलर इट इज 0.45 to 0.9, ग्रीन कलर 0.49 to 0.57, येलो कलर इट इज 0.57 to 0.60, ऑरेंज इट इज 0.60 to 0.62, एंड इन द लास्ट रेड इट इज 0.62 से 0.75। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और होपफुली आप इसको क्यूज सेशन के आंसर्स को भी रिप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द मंसल कलर चार्ट, सेकंड क्वेश्चन इज येलो कलर डेवलप्ड इन सॉइल ड्यू टू विच मिनरल, थर्ड क्वेश्चन इज ब्राउन कलर डेवलप्ड इन सॉइल ड्यू टू विच मिनरल, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द नोटेशन नंबर ऑफ वैल्यू 0 रिप्रेजेंट्स विच कलर। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।